Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के मैचेस खेले जाएंगे। उद्घाटन मुकाबला इंडिया लेजेंड्स का होगा, जिसकी कप्तानी सचिन तेंदुलकर के हाथों में। साथ ही हम आपको इस अपनी खास रिपोर्ट में बताएंगे कि इस टूर्नामेंट में विश्व के कौन बड़े बड़े दिग्गज खेलने वाले हैं और कौन सी टीमें खेलने वाली हैं। देश में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए खेले जाने वाली रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार फिर लौट आया है। दुनिया के तमाम महान खिलाड़ियों से सुसज्जित इस टूर्नामेंट का आयोजन इस बार शुक्रवार 10 सितंबर से होने जा रहा है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पिछले साल की चैंपियन इंडिया लीजेंड्स के अलावे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम शामिल है। इस साल खेले जाने वाले रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में पिछले साल की चैंपियन इंडिया लेजेंड्स की कप्तानी मासब ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों में होगी, तो वहीं टीम के अन्य खिलाड़ियों में हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वाटसन और ब्रैडली, वेस्टइंडीज के लिए ब्रायन लारा, न्यूजीलैंड के लिए रॉस टेलर, शेन बॉन्ड और श्रीलंका के लिए तिलक रत्न दिलशान, माहिला जयवर्धना, सनत जयसूर्या और चमिंडा वॉस जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का ये दूसरा संस्करण होगा। पहले साल इंडियन लेजेंड्स की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आईटी एवं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सहयोग से आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के सभी मैच कानपुर के अलावे 3 और शहरों इंदौर, रायपुर और देहरादून में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के शुरुआती 7 मुकाबले जहां कानपुर में खेले जाएंगे, तो वहीं दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच की मेजबानी रायपुर करेगा, जिसमें इंडिया लेजेंड्स की टीम कानपुर में 2 मुकाबले खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।